यार तो उन्होंने सब पाया तुम्हारे अब वो बत्ती बत्ती कुछ भी लाए क्या जलाने के जैसा बना अभी कहाँ सर आप तुम्हारा कहाँ गया खत्म हो गया इतना जल्दी क्यों जा रहे हो भैया आराम आराम से खा खत्म हो गया भैया हम जा रहे हैं अपने अश्विन भाई का जन्मदिन मनाने के लिए और अश्विन को हमने बताया नहीं बताया ना सरप्राइज तो अभी हम रास्ते में रुके हैं तो यहाँ का क्या ये कौन सा बड़ा आलू बड़ा बहुत फेमस है तो मैंने तो मना कर दिया मैंने कि मैंने कही आलू बड़ा तो इनने की शाम मैंने कि नहीं यार आलू बड़ा तो खाना पड़ेगा ठीक है भैया आलू कैसा लगा आलू बड़ा अच्छा लगा मेरा आधा हुआ और इनने पूरा कब खा दिया और मेरे में से बोल रहे कि थोड़ा इसमें तो ठीक है चलते आगे मिलते हैं साफ करो फटाफट अच्छे से गाड़ी चकाचक हो जानी चाहिए हाँ ये बीच में धब्बा रह रहा है ये धब्बा कैसे रह गया ये तो हम आ गए अब मुटक्का अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट चले जाएंगे तो ओकारेश्वर चले जाएंगे पर हमें तो ओकारेश्वर जानो ही नहीं क्योंकि ओकारेश्वर जाएंगे बाद में हाँ अभी तो हमें जानो पुना कही पुनासा तो ठीक है तो वाके लिए तो इनंग मुड़ना पड़ेगी ठीक है तो मिलते हैं पुनासा में ओके गलत जगह पे घर है गांव है ये मैं इतना घूम इतना ऊंचा नीचा चढ़ाओ एक ही ऐसी जगह कहीं गांव रे यार दादा उससे ज्यादा तो आपको उधर आप हमने देखा ना चक्कर आ गया हमारे गांव में जाके देखो सीधा रास्ता कैसे भैया बढ़िया अपना भाई दादा अबे ये कितना गए थे चक्कर आ गया यार माँ का सब ऊंचे नीचे रोड में देखो ये घर है अश्विन का ये उसकी गाड़ी खड़ी है क्रिएटा तो अब हम आ गए हैं पुनासा अश्विन यादव का गांव अभी पीछे घर छूट गया अभी मैंने दिखाया है अभी अश्विन को पता भी नहीं है कि हम यहाँ आए हैं सरप्राइज क्या बोलते हैं इंग्लिश में सरप्राइज वही है चलो अभी मिलते हैं ओके अभी प्रिंस बता रहे हो तो यहाँ की जगह जंगल है हर कोई आदमी है चीता उठा के ले जा अभी एक केस आया तो सामने जेब में चीता उठा ले गया था नहीं तो चीता उठा गर्दन पकड़ के बच गया क्यों क्या नहीं वो शिकारी लेके गया ना शिकारी लेके भी चले गया बच्चा की मर गया वो नहीं नहीं बचा है ना छोड़ दिया ना स्कूल वो बचा ला है इधर यार मतलब आदमी जाके बचा ला है तो वो इतनी तेज दौड़ के कैसे गए होंगे ये पता नहीं यार वो उन्हें कैसे क्या टेक्निक लगाई मतलब चीता भाग के ले गया उन्हें पकड़ के तो फिर वो शिकारी उनके उसके पीछे गया तो वो बचा के मतलब इतनी तेज दौड़ा होगा लॉजिक तो सही है और इतनी देर वो तो भाग गया ना तो उसको कहाँ गया क्या गया कैसे पता चला वो तो उसके प्रिंस ही उसको ज्यादा नॉलेज रहता है स्टेज में तो ये बात अभी राज है अभी ये क्लियर नहीं हुई है प्रिंस से पूरा क्लियर करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा चलो ओके बाय हाँ तो अभी हम आ गए होटल पे ये है श्याम भैया कौन सी होटल पे आए हैं ये तिवारी जी का ढाबा है अच्छा तो अश्विन यहीं पे आ रहा है यहीं पे बुला रहे सब तो अश्विन को हमने यहीं बुलाया है और बताया बोल दिया कि उसको बताना मत ही कि हम यहाँ आए हाँ रास की बात वो आएगा तब एकदम से देखोगे तुम कैसे आ गए ठीक है नहीं
चलो वो आए फिर दिखाएं तुम। ओके हमने गाड़ी यहाँ लगा दी थी पर अभी गाड़ी की जगह चेंज करके उधर छुपा के रख दी क्योंकि अश्विन आते से देख लेते तो पता चल जाता है हाँ ये भी यहाँ आया हुआ है इसलिए। चल तू साथ में रहना हमारे, अभी क्या करने वाले अपन, क्या करने वाले? अश्विन आ रहा थे, क्या क्या करने वाले? ठप्पा 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 करने वाले। तो दोस्तों हम ठप्पा करने वाले हैं अश्विन के, देखते जाना पीछे पीछे देखते। अरे यार पीछे क्यों होता, आगे देख, हाँ देखते जाना आगे आगे, अपन पीछे रहेंगे ना। अच्छा हाँ सॉरी। चलो अभी हमें नहीं छुपने जा रहा, जैसे अश्विन इधर निकलेगा पीछे से ठप्पा। यस तो दोस्तों हम यहाँ छुपे हुए हैं, जैसे अश्विन यहाँ से निकलेगा हम पीछे से दबोच लेंगे। हैप्पी बर्थडे, ठप्पा मार देंगे। धीरे रुक जाओ, मैं बीमार हूँ, आराम से आराम से आराम से बीमार हूँ, आराम से रुको, बीमार हूँ धीरे। अरे गैस तो करो, कौन है? कौन है भैया, गैस करो भैया, आवाज भी पहचान में नहीं आएगी। छोड़ रे छोटू कहाँ थे, ये तो मोटा ये कौन है? मैं रुक जा, मैं दाढ़ी देखूंगा। रोक कर छोड़ रे। ओ क्या है, तू यहाँ कैसे आ गए? इतनी दूर हमारे लिए तो दो पास है यार, तुम धर्मेंद्र डायलॉग मार दे तो बैठा गया था, नहीं तो डायलॉग बोलना नहीं था, नहीं यार लपड़ा तो ही है, छोटू का हाथ इतना मोटा, मतलब युवा इंदौर में। हाँ यंग पास, कितनी उम्र होगी भैया की? 25 दे तो दिया उसको, बोल आया था ना लक लक चाकू लेके आया था यार। प्लास्टिक प्रिंस आना लोगे स्कूल का, ये निकल जाएगा टेबल पे, ये तो टेबल पे आ रहा हूं मैं, नहीं रुआ एक कर ले, तुम से कर ले। अरे बम नहीं यार, बस बढ़िया आ रहा है, एक मिनट हो जा रहा है, मोमबत्ती नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं नहीं भैया, वो किससे बोल रहे, केक का भी बना कर रहा है, सुनते हैं ना। तो हम आए बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ते और ऊंचे नीचे घाट चढ़ के यहाँ अश्विन भाई के गांव पुनासा, और अब अश्विन भाई को केक कटवाएंगे। क्यों कैसे लगे? अच्छा लगा, केक तो बढ़िया है। अब केक से नहीं बोल रहे हो, मतलब हम आए कैसे लगे? नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मिल लिया मैं तुमसे, पहले मिल लिया हूँ मैं तुमसे। चलो चलो तो तो अश्विन की तबीयत खराब थी तो हमने सोची क्यों नहीं अश्विन के यही गांव जाके अश्विन ने सरप्राइज दिया जाए। तो गाइस बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे, इन्होंने सरप्राइज दिया और आज ये रुकने वाले हैं पूरी रात, कल सुबह भेजेंगे इनको घर। ये क्लिप काट देना, ये तो फंसा रहा है, कल कल भेजेंगे। चलो आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अश्विन, खेलेगा
इंडिया जब तो कूदेगा इंडिया ना ना पहले पहले हम खिलाएंगे तुम खिला दो मेरा अब जलाई रहा गन्ने से अरे फिर बंद इसको दबा के इसको मेरा घुमा दे थोड़ा सा मुझे वीडियो चलाना वीडियो बहुत जमाने खूब शुभकामनाएं ढेरों शुभकामनाएं अरे अपना बंद हो रही ये तबीयत खराब बार बार ना हो लो भैया वो सब खिलाओ जरा बढ़िया बैठे वो दिल छोड़ के चली गई तोड़ गई तो गाइस अपने श्याम भैया और धर्मेंद्र भैया इंदौर से मेरे से मिलने आए हैं केक काटने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लगा इन्होंने सरप्राइज दिया मुझे और ऐसे ही अपने धर्मेंद्र भैया तरक्की करते रहे और श्याम भैया भी बहुत धन्यवाद ये केक अपन ऐसे करेंगे ऐसे करके ठीक है तो बना रहा क्या अच्छा बूमरिंग बना रहे हैं क्या ये हटा दो भैया बना रहे हैं 1 2 3 बोल देना है ना भैया ठीक है और क्या 3 2 1 स्टार्ट अरे धीरे आई सुन मस्त है अरे हॉल पे कहाँ है वो भाई हाँ भाई है हमारे बहुत अच्छे सिंगर हैं इतना अच्छा गाना गाते हैं कि मजबूरन मुझे एक गाना सुनना पड़ेगा मजबूरन सुनना पड़ेगा नहीं नहीं मतलब जबरदस्ती 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 करूंगा मतलब चलो सुनाओ वो कौन सा गाया था इंस्टाग्राम पे अभी डाला है ना हरी ओ तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी वाह वाह बहुत बढ़िया गाया शानदार बहुत अच्छा गाया है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा भाई बहुत आगे जाए और अभी बहुत जल्दी हम साथ में एक गाना करने वाले हैं वो अभी तुम्हें बताएंगे नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे ओके तो दोस्तों अश्विन धोखेबाज निकला ये अब आज पता चला हमें हम 3 लोगों के लिए खाना बनवा दिया और खुद खाना नहीं खा रहा देखो ये बैठा है इसमें बहुत ज्यादा बीमार हूँ तो बीमार लोग क्या खाना नहीं खाते मुझे बाहर का खाना बंद ये बातें बना रहा है ये बाहर का खाना बंद कर दिया तो बाहर तो अंदर है होटल के यार तो अभी हम खाना खा रहे हैं ये श्याम भैया बत्ती दे रहे हैं भूख लगी आगे तो ठीक है खाओ खाओ खाना खाओ इसको दिखा दिखा के खाना खाऊंगा मैं तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ होटल से बर्थडे बॉय आ रहा पीछे से अब हमने खाना भी खा लिया है अब यहाँ से निकलते हैं रास्ता बहुत आड़ा टेढ़ा है ऊंचा नीचा है चलो बस बहुत बढ़िया कौन करेगा भाई आप ही करोगे और कौन करेगा हेलो तो हल कैसे करो बनाते हो चल चालू कर भाई तो हेलो गाइस तो दोस्तों अब हमने खाना पीना सब खा लिया अब हम निकल रहे हैं अश्विन यादव को अकेला छोड़ के वो तबीयत खराब है पर फिर भी हम छोड़ के जा रहे हैं प्रिंस के हवाले करके वो देखभाल रखेगा और इससे बोल दिया सुबह ये कल से है ना एक्सरसाइज शुरू करेगा 2 किलोमीटर दो रोज रनिंग करेगा और अभी इसने कसम खाई है रनिंग करेगा ना 2 किलोमीटर रोज है ना तो ये तबीयत अभी बिल्कुल टनाटन रहेगी हमारे भाई की तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से चलो बाय जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल लव यू अभी तो बैंक को थाईलैंड जा रहा है वहां चलो है ना चलो ओके आ जाओ तुम भी चलो शुभ रात्रि भी है ना जय श्री श्याम जय श्री